नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए मुद्दे के साथ में हूं, बोल जनता बोल, जो आम आदमी की समस्या से जुड़ी तस्वीर को हम दिखाते हैं, आपको हम दिखाते हैं। ये आप मेरे सहयोगी अनवर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नया पुल है, ये डोबो पुल बोला जाता है और ये पुल सरायकेला और जमशेदपुर को जोड़ता है। देखिए, इस पार हम लोग जिधर खड़े हैं ये हो गया जमशेदपुर और उस बाजू हो गया सरायकेला। तो ये पुल में काफ़ी आवाजाही होता है, लोग बहुत उस पार के लोग जो रोज़गार करने वाले लोग हैं वो इस पार आते हैं और इस पार फिर शहर में पहुँच कर रोज़गार करते। तो ये समस्या दिखाने का मकसद हमारा है, ये जो पुल बना हुआ, इस पुल से लोग जब आते हैं अगर उन्हें सोनारी कागल नगर या सोनारी जाना होता है तो लंबा दूरी तय करना पड़ता है। मिनिमम 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी बनावट है, क्योंकि ये मेरिन ड्राइव है, मेरिन ड्राइव में कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, तो इसके चलते काफ़ी लोगों को आना आवाजाही में काफ़ी दिक्कत होता है। जो सब्जी बाजार करते हैं या फिर जो डेली दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं उनको अगर एरोड्रम जाना है तो काफ़ी लंबा दूरी तय करना पड़ता है। तो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी दृश्य, यहाँ पे ये बहुत चलता फिलता रोड है और पहले ये जब पुल नहीं बना था तो लोग यहाँ से पैदल उस पार चले जाते थे, जिनको कागल नगर जाना है या फिर कुम्हारपाड़ा जाना है या आदर्श नगर जाना है तो वहाँ लोग जा सकते हैं। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि उस बाजू भी एक बार आपको हम रोड दिखा देते हैं कि जब ये पुल से लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो कैसे उनको जाना पड़ता है। देखिए, अगर उस पार अगर जाना है, मेरे सहयोगों को हम कहूँगा कि अगर आपको उस पार जाना है तो आपको जाने की रास्ता नहीं है, आपको ये रास्ता उस पार का जो आपको रोड दिख रहा होगा, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं वो रोड में, देखिए वहाँ बड़ी आबादी रहती है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में अगर आपको जाना है, जाने के लिए आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और ये रास्ता जो है, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, ये रास्ता आपको आगे जाकर सर्किट हाउस के पास से टर्निंग है, तब आपको घूमना होगा। घूमने के बाद फिर आप या कागल नगर जा सकते हैं या फिर आपको दुमहानी जाना है या फिर सोनारी जाना है या आदर्श नगर जाना है या आसियाना जाना है, तो इतना लंबा दूरी तय करना पड़ता है। तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर लोगों ने एक बार आंदोलन भी किया था और जिला प्रशासन और टाटा स्टील से ये मांग की थी कि एक क्रॉसिंग यहाँ पे भी दिया जाए ताकि लोगों को, उस पार जाने वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको दिखा रहे होंगे मेरे सहयोगी कितना भीड़ भाड़ का रास्ता है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रक्स है या ट्रेलर है वो इस रास्ते से जाते हैं, चूँकि ये पुल बना था तो ये मकसद ये था कि शहर पे इसका जो लोड है वो कम होगा, जो बड़ी गाड़ियों का आवाजाही होता है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मकसद से बनाया गया था वो मकसद तो पूरा होता नज़र आ रहा है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि जो जिन लोगों को बस्ती में या फ्लैट्स के एरिया में जाना है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको ये गाड़ियाँ अगर आपको आदर्श नगर या आपको कहीं जाना है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई साहब, आप चश्मा थोड़ा उतार लेंगे एक मिनट के लिए, कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है? पुड़ी से आ रहे हैं, कागल नगर जाना है। कागल नगर जाने के लिए ये तो बगल से रास्ता बंद है। हाँ, ये तो बंद है, पहले यहाँ से खुला हुआ था, हम लोग यहाँ से घूम जाते थे। हाँ। लेकिन अब ये इधर से प्रशासन द्वारा बंद है तो हमें 6 किलोमीटर घूम के सरकट उसको कागल नगर जाना पड़ता है। दिक्कत तो बहुत होता है, एक तो महंगा तेल है, ऊपर से अगर गाड़ी हम लोग रखे हैं तो मान लीजिए 6 किलोमीटर का एक्स्ट्रा हम लोग को 60% तेल जल रहा है। पहले हम लोग से घूम के चल जाते थे, अब क्या है कि हम लोग को 6 किलोमीटर हो गए घूम के कागल नगर जाना पड़ता है, तो दिक्कत तो बहुत है और प्रशासन इसमें कोई मतलब हम लोग को राहत भी नहीं देती है। तो आप लोगों ने कभी इसको लेकर कभी जो जिले के उपायुक्त या प्रशासन के पास आप लोगों ने कभी ये गुहार लगाई कि ये रास्ता को खोला जाए, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होता है? हमने कोशिश तो किया है, कुछ हमारे जेएम से जुड़े हुए हैं तो कुछ हमारे सीनियर लीडर हैं, उनसे बातचीत इस पर अगर हुई है तो इस मामला में हम लोग को विचार विचार समूह है, आप देखते हैं हम लोग सीनियर लीडर क्या करते हैं। फिलहाल तो अभी विचार ही चल रहा है कि हाँ यहाँ इस तरह से करना है, दिक्कत तो सबको हो रही है क्योंकि अधिकतर सोनारी से लोग जो है नदी उस पर जाते हैं, डोबो हो चाहे पूरी छिली हो रुगड़ी हो, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनमें इस बात का विमल है कि इधर से जा नहीं सकते, अब घूम के जाना पड़ता है, प्रशासन जाने भी नहीं दे रही है, दिक्कत तो होती है। कितना दिक्कत होता है आपको भी अगर आपको जाना है आदर्श नगर या फिर कागल नगर जाना है तो कितना दिक्कत होता है? दिक्कत ऐसी होती है सर कि मत पूछिए, इतना शॉर्टकट अगर आपको यहाँ दुमानी जाना है उतना दूर तो आप छोड़ दीजिए, दुमानी अगर सिंपल जाना है तो आपको 1 किलोमीटर पर वहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के आना होगा, वापस वहाँ जाना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ बड़े भाई जेएम के ही है, वो हमने बताया हमने कि यहाँ एक मार्ग किया हुआ था लेकिन गोल चक्कर बनाने यहाँ पर किसी कारणवश
कॉन्ट्रेक्टर गलती बोली आप, यहाँ ठेकेदार गलती बोली कि यहाँ गोल जगह बनाया ना, उससे घपला हुआ, सरकार पास हुआ था बनाया नहीं यहाँ पे, जो भी आप बोले एक दो मार सिंपल सा, वहीं आपको जाना होगा ना, वो कॉर्नर में जाना होगा, तो इतना घूम के आपको वापस जाना होगा। तेल की महंगाई आप सभी को पता है कि हम लोग देश में क्या हालत अभी चल रहा है, तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, इंजन वगैरह को लेकर के हम लोग को यही चीज़ को समझ में आता है सर कि हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है, उतना घूम के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, नहीं है काफ़ी दिक्कत होता है। देखिए एक भाई साहब साइकिल से भी हम उनसे भी एक बार जान लेते हैं। भाई साहब आप कहाँ रहते हैं? हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी आप दूध लेने कहाँ जाते हैं? जा रहे डोबो। डोबो अभी हम साइकिल से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर गाड़ी से आएंगे तो फिर पूरा घूम करके जाना पड़ेगा उधर से, तो एकदम बेकार है ये सिस्टम, तुरंत चेंज करना चाहिए, बहुत डिफिकल्टी होता है। हम लोग सुबह में जाते हैं उधर दलमा ट्रैकिंग करने के लिए, वो भी इधर से नहीं जा सकते क्योंकि अगर इधर से लौटेंगे तो फिर इधर घूम के आना पड़ेगा। किलोमीटर घूमना पड़ता है? 6 किलोमीटर के आसपास। वो सब मिला के 6 प्लस पड़ जाता है, 6.5। साइकिल यूज़ कर रहे हैं इसलिए कि गाड़ी से फिर लंबा दूरी पड़ेगा, गाड़ी से लंबा पड़ जाएगा। दूध लाने जा रहे हैं ये आस्था हाईटेक सिटी। क्या प्रशासन से या सरकार से क्या डिमांड करेंगे कि भाई किस तरीके से तो यहाँ पर कुछ, अब तो देखिए ब्रिज बन चुका है तो ब्रिज तो अब चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर कुछ गोलचक्कर वगैरह करके इसको अच्छा से रूट किया जाए या कुछ फ्लाईओवर बना दिया जाए, यहाँ से एक फ्लाईओवर कर दिया जाए ताकि उधर से निकल जाए, तो वैसा कुछ सिस्टम कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ही पेनफुल है उतना लंबा घूम करके जाना, और वहाँ टर्निंग भी सेफ नहीं है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा व्हीकल भी वहाँ पे टर्न लेता है और वो भी प्रॉपर टर्निंग नहीं है, टर्निंग रेडियस नहीं आता है वहाँ पर, बहुत ही डिफिकल्ट है। ये भाई साहब इस आस्था स्विम सिटी में रहते हैं, आपको मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, उस बाजू फ्लैट्स का एरिया है और वहाँ से ये जाते हैं पुल पार करके उस बार दूध लाने के लिए, लेकिन गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, साइकिल से इसलिए जा रहे हैं कि उनको गाड़ी से जाना होगा तो 6 किलोमीटर जाना होगा, साइकिल इसलिए कि साइकिल को उठा के उस पार वो पार कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपको कुछ लोग भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये पुल के उस पार जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं चाहे स्थानीय लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एकजुट हो गए जब हम यहाँ कवरेज करने पहुँचे, समस्याओं का जानने की कोशिश की कि भाई आखिर कितना तकलीफ होता है, तो कुछ लोग हैं हम उनसे भी अगर एक बार जान लेते हैं। आप गाड़ी चार चक्का से आ रहे थे, गाड़ी आपने रोक लिया, कितना दिक्कत होता है आपको, कहाँ जाना और कहाँ से आ रहे थे? देखिए हम लोग तो अभी आ रहे थे डोबो से आ रहे हैं, अभी हम लोग का कागलनगर बाज़ार जाना है, कागलनगर मार्केट जाना है, तो आज के डेट में तेल डीजल और पेट्रोल का जो आसमान छू रहे है, हमारे आज के डेट में किसान भाइयों लोग का जो आना जाना लगा हुआ, किसान भाई लोग सब्जी उगा रहे हैं लेकिन देखिए 2 पैसा कमाने का नहीं, 5-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा, लोग कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बाल बच्चा को कैसे पालेगा, तो इसको इमीडिएट माने टाटा स्टील हो चाहे हमारे जो भी सरकार की तरफ से मैं जिला प्रशासन हो, इनको जल्द से जल्द इसको बना जाए ताकि हमारे सोनारी वासियों को और हमारे नदी पार के जितने भी वासियों को सबको सुविधा मिले ताकि आराम से शॉर्टकट में जाके अपना काम कर सके। बिल्कुल देखिए स्थानीय है यहाँ, इनका कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक भाई साहब यहाँ भी है, आप उस पार गाड़ी छोड़े क्यों, क्या दिक्कत होता है, मान लीजिए गाड़ी लेके? देखिए ये पुलिया यहाँ से पहले यहाँ से जाना मिलता था लेकिन आज क्या हुआ बंद कर दिया गया उसको, ठीक है, वहाँ से जाके देखिए अभी 1.5 किलोमीटर घूम के फिर सुनारी, कम से कम 6 किलोमीटर जाना पड़ता है घूम के आने के लिए, ठीक है, जाना है हमको ज़्यादा नहीं, यही सामने में जाना है, फ्लड जाने के लिए हमको 6 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो गाड़ी आपने कहाँ रखी है? गाड़ी सामने में खड़ा किया नदी को उस पर। गाड़ी रख के पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल अभी जा रहे हैं। क्या किया जाए, ये प्रशासन ऐसे टाइट किया हुआ है, नहीं नहीं जा सकते, अपोजिट में मतलब नहीं जा सकते हम लोग, एकदम रोक दिया गया उसके लिए। बोलिए दिक्कत तो बहुत है, अब देखिए किसी की गाड़ी लेके आए या फिर इस पर जा रहे हैं, अभी गाड़ी उस पर खड़ा किया हुआ है, बताइए कैसी समस्या है। लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ा करते हैं, खड़ा कर पैदल जाते हैं जबकि ये गाड़ी से जा सकते हैं, बगल में जाना है लेकिन अगर गाड़ियों से जाना होगा तो इनको 6 किलोमीटर दूरी तय करना होगा तब वो बगल में जा सकते हैं। हमने 2 तस्वीर दिखाई, एक साइकिल चालक किस तरीके से दूध लाने साइकिल से जा रहे हैं और ये भाई साहब गाड़ी खड़ा किए। कुछ सब्जी विक्रेता भी है इस बाजू, सब्जी उब्जी बेचते हैं उधर से लेकर आते हैं, क्या ऐसे आप क्या करते हैं? और हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये नदी के किनारे ही मेरा खेती है, पहले बहुत सारे लोग नदी उस पर जाते थे सब्जी खरीदने, अभी प्रशासन के द्वारा अभी रॉन्ग साइड से जाने के लिए मना कर दिया गया है, इसीलिए अभी उस पर कोई जा नहीं पा रहा है, आपको जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर दूर, वहाँ से गोलचक्कर से घूम के आके यहाँ पर सब्जी बेचना पड़ता है, सोन बिहार के बगल में छोटा मोटा मार्केट लगता है, वहाँ पर सब्जी बिक्री करना पड़ता है, तो लेकिन आपको घूमना पड़ेगा 6 किलोमीटर दूर तब जाकर आपको ये सोन बिहार के सामने आकर सब्जी बेच सकते हैं। तेल का इतना महंगाई हो गया है कि वहाँ से घूमने में हम लोग का बहुत तकलीफ होता है। सरकार से प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन और सरकार से मांग है कि यहाँ पर गोलचक्कर का व्यवस्था कर दिया जाए तो हम लोग
सुविधा मिल जाए। ये गोलचक्कर था क्या? पहले तो गोलचक्कर था नहीं, बनने वाला था आपके यही सामने ही में बनने वाला था, लेकिन कुछ कारण से चल गया आपका 6 किलोमीटर दूर में। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए किसी को डॉक्टर के पास दिखाना है, अगर उस परिस्थिति में डॉक्टर के पास दिखाना होगा, उस परिस्थिति में आपको 6 किलोमीटर घूम के जाना होगा आपको काकानगर, काकानगर सोनारी 6 किलोमीटर घूम के जाइए। बिल्कुल, देखिए अगर किसी को डॉक्टर के पास में, अगर बाजू में डॉक्टर है, अगर उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा तो 6 किलोमीटर लेकर जाना होगा। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन के लोग हैं या टाटा स्टील के लोग हैं, उन्हें थोड़ी से इन बस्ती वासियों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ये लोग का कहना है कि जब पुल बना था तो एक गोलचक्कर देने की बात थी जो होने से बहुत सुविधा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन या टाटा स्टील ने भी इसे देखा है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग को अगर उस पर उस बाजू जाना है तो 6 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर आने के बाद तब लोग, देखिए आपको सहयोगी दिखा रहे होंगे, जो भी लोग छोटी गाड़ियों से जा रहे हैं वो 6 किलोमीटर टर्न करके उधर से वापस आ रहे हैं। जो लोग भी रांची हो या डोबो हो या अन्य जगह हो, तो उधर से जाने के लिए, देखिए ये भी भाई साहब आना चाह रहे हैं इधर से, और इन्हें भी कहीं ना कहीं रोक लिया गया है, जाने नहीं दिया जा रहा। भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हैं? डोबो से आ रहे हैं। सोनारी जाना है? यह गोलचक्कर बनाने चाहिए ना? रोक दिया गया। अरे का है ऐसा कर रहे? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एक तो गोलचक्कर होना चाहिए। नहीं होने से कितना किलोमीटर जाना पड़ता है? अभी जैसे देखिए इमरजेंसी है, कोई किसी का कुछ हो जाएगा, ये लोग जिम्मा उठे, इसका फोटो लीजिए। नहीं नहीं उसका उतार, नहीं नहीं बिल्कुल दिक्कत होता है खुद ना। क्या दिक्कत नहीं, इनको फोटो लीजिए। बिल्कुल इनका ही फोटो ले, प्रशासन के लोग है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप आगे चले जाए। निश्चित है, देखिए जिस तरीके से लोगों का जाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये देखिए प्रशासन भी, क्योंकि हेवी बाइक ट्रैफिक रहता है इस ओर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन से लोग कहीं ना कहीं बगझग भी कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर उसको बगल में जाना है तो बगल में जाने नहीं दिया जाता, तो ये काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। देखिए ये किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया, क्यों इसको वन वे बना दिया गया है। कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालना चाहिए कि जो बड़ी गाड़ियों का जो जाना है, जिन्हें कागल नगर, सोनारी या आदर्श नगर या फिर ट्विन सिटी में, तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती। आप भी इधर ही बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना दिक्कत होता है? खेती बाड़ी है, होटल है मेरा, इधर से आते हैं हम लोग रूपनगर में, मेरा भाई रहता है, रूपनगर जाना है, रूपनगर यहाँ से 0.5 किलोमीटर है, इसके लिए मेरे को घूम के जाना पड़ता है 8 किलोमीटर। बहुत दिक्कत होता है। मम्मी रहते हैं यहाँ पर 0.5 किलोमीटर में, पंचवटी नगर में, उनका पास जाना है तो गाड़ी पुल में खड़ा करके पैदल जाते हैं। एक तो लंगड़ा आदमी, उसका बाद पैदल जाइए, नहीं तो घूम के जाइए इतना दूर। दिक्कत तो बहुत है। सरकार को यहाँ पुल बनाने का पहले सोचना चाहिए, गोलचक्कर कहाँ बनेगा, पहले गोलचक्कर का देखना चाहिए था। बहुत परेशानी है, स्कूल बच्चा लोग बनाता तो जाइए वहाँ से आइए, यहाँ का लैला इसमें कारमेल में जो पड़ता है, उतना दूर घूम के भूतनाथ मंदिर होके बाजू सहयोगी कहूँगा, उस बाजू देखिए महिलाएं जो हैं वो पैदल इस रास्ते से पार करें, क्योंकि उस बाजू से आ रही हैं डोबो की तरफ से, जो ये नया पुल बना है, पुल के इस पार गाड़ी खड़ा करना पड़ता है और उसको फिर पैदल उस पार जाना पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आबादी रहता है, सोनारी, कागल नगर, किसी को उस बाजू जाने नहीं दिया जाता है। तो समझा जा सकता है कि लोग कहीं ना कहीं परेशानी में घिरे हैं, और ये प्रशासन से ये भी मांग भी कर रहे हैं कि इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, ताकि जो इस क्षेत्र के जो आवाजाही होता है वो सुलभ हो सके और 6 किलोमीटर का दूरी तय करना नहीं पड़े। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम आपको इस यहाँ के दृश्य दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बोल जनता बोल में। हम जमशेदपुर का जो मेरीन ड्राइव है, जो नया पुल है, वहाँ क्या समस्या है वो आपको दिखा रहे हैं। फिर से एक बार आपको हम पुल दिखा देते हैं। देखिए ये नया पुल बना है
दो तरफ से आवाजाही होता है। जो लोग भी या रांची का है या फिर पूरी सिली बोले या डोबो बोले या अन्य क्षेत्र से आने वाले चांडिल या फिर रांची से आने वाले लोग यहाँ से होकर अगर आपको अगर साथी जाना है सोनारी जाना तो उसके लिए ठीक है सर्किट हाउस जाना तो, लेकिन अगर आपको कागल नगर रूपनगर या अन्य क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में जाना है तो आपको 6 किलोमीटर पैदल जाना होगा, उसके बाद फिर आप पहुंच पाएंगे। बड़ी गाड़ियों का आवाजाही इस तरफ से होता है और यहाँ से फिर वो अपने गंतव्य के लिए जाती है, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेलर हो, बस हो या फिर चार चक्का की अन्य कार या अन्य गाड़ियाँ हो। तो देखिए ये गाड़ियाँ जा रही है, ये ठीक रांची की ओर चली जाएगी, लेकिन जब वापस उस क्षेत्र से जब गाड़ियाँ आती है जिसको कागल नगर जाना है या फिर दुमुहानी जाना है या फिर मोनी बाबा के मंदिर की ओर जाना है, जहाँ बड़ी आबादी रहते हैं, बस्ती के लोग रहते हैं, जो फ्लैट्स आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे, देखिए बड़ी गाड़ियों का आवाजाही होता रहा कंटिन्यू यहाँ पर ही, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोग धीरे धीरे मुखर भी हो रहे हैं, इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। देखिए उस पार से एक महिला आ रही है साइकिल से आ रही है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको 6 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा तब आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। अगर 6 किलोमीटर का दूरी नहीं तय करेंगे तो आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप देखिए प्रशासन के लोग जो भी लोग हैं, देखिए यहाँ पे गाड़ी वाला अगर टर्न मारना चाह रहा है इसे घूमने नहीं दिया जाएगा, अगर इसको बगल में जाना है तो जाने की इजाज़त नहीं है, 6 किलोमीटर आगे जाना होगा तब जाकर इसे वापस आना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रशासन के लोगों से भी एक बार इनकी राय जान लूँ कि कितना दिक्कत होता है। आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं सर, यहाँ पर काफ़ी गाड़ियों का आवाजाही होता है, गाड़ियाँ को अगर मान लीजिए लोगों को उस पार जाना होता है तो कितना क्या बोल के जाते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर आप लोगों का सब्जी अभी देखे भगजक हो रहा था काफ़ी लोग। भगजक तो होते रहता है, तब नहीं मानता है तो हम लोग का जबरदस्ती कर दे छोड़ देते हैं जाइए। क्या बोला गया आप लोग इस पार नहीं जाने देने के लिए? अब जो नहीं मानेगा उसको छोड़ देना है, जो अपना से रोकना है जाइए भाई जाइए इधर जाइए, बड़ा साहब का आदेश है। और आपके साथ भी देखे एक मोटरसाइकिल वाले बहस कर रहे थे, क्या बहस कर रहे थे? पब्लिक यहाँ से आते हैं घूमना चाहते हैं लेकिन ऊपर से आदेश है, सीनियर साहब का आदेश है, उधर से हम लोग घुमा देते हैं, जब उधर से पब्लिक आता है इस रोड में आने के बाद गाली दे के चला जाता है। तो आप लोगों को भी तो थोड़ा सा गिल्टी फील होता होगा कि भाई हम आप तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जी जी, लेकिन लोग किस तरीके से बोल के जा रहे हैं? पब्लिक दिन भर में 10-20 आदमी आता है गाली दे के चला जाता है। बिल्कुल देखिए ये जो जवान है कहीं ना कहीं ये भी आम आदमी का जो परेशानी है उसको झेलते हैं, जब लोग वहाँ से वापस घूम कर उस बाजू जाते हैं तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ और लोग हैं हम जान लेते हैं, क्या कितना दिक्कत होता है आपको इधर से आने जाने में? दिक्कत सर बहुत होता है क्योंकि मेरा एक बच्चा है उसको ट्यूशन ले जाना और फिर स्कूल ले जाना, तो मेरे को 8 बार टोटल आना जाना पड़ता है, एक बार में 14 किलोमीटर का मेरा हिसाब किताब है, तो 8 बार हिसाब कर लीजिए मेरा कितना बार हो रहा है। और जितना महंगा जो तेल है इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है, अगर हम बच्चा के पीछे ही मतलब इतना डिस्टेंसिंग होंगे तो फिर हम कमाएंगे कब, फिर मेरा बच्चा का भरपाई कैसे करेंगे हम, ट्यूशन स्कूल फी, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं सर। पहले पार होने दिया जाता था तो उतना तकलीफ नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल देखिए जैसे इन्होंने कहा कि अगर छोटा सा गोल चक्कर अगर बन जाता है तो जो टू व्हीलर है या फिर जो चार चक्का है या कार का है या फिर अन्य जो वो गाड़ियाँ आराम से जा सकती है। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को उस पार से उस गाड़ी लेकर आते हैं? बहुत दिक्कत होता है, हम लोग 6 किलोमीटर से घूमना पड़ता है हम लोग को, और सामने कागल नगर सेंटर सामने में हम लोग का सब्जी मार्केट है, वहाँ बेचना पड़ता है हम लोग, तो 6 किलोमीटर हिसाब से हम लोग कितना तेल जल जाता है और इतना महंगाई है आपका। कैसे कैसे चलता है इतना महंगाई में? बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि अब 6 किलोमीटर हम तो डोबो से हैं, अब डोबो से आने में पहले तो हम लोग रॉन्ग साइड से जाते थे, तो रॉन्ग साइड से जाते थे, अभी कुछ दिन से प्रशासन ने टाइट कर दिया, इधर से ऑपोजिट से नहीं जाने देता है, तो इसलिए तो अभी हम लोग को 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है, तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। अभी ऐसा है कि इधर जो हम लोग डोबो से आते हैं तो राइट साइड में जो मतलब गोलचक्कर है वो 150 मीटर में था, ये उस समय जब प्रशासन ये करके मार्किंग उनकिन ओके हो गया था बनने का, अब अचानक कैसे कैंसिल हो गया ये तो नहीं पता, और यहाँ ब्लॉक कर दिया जिसको वाला लोग, अभी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, अब घूम के उतना मतलब 6 किलोमीटर आना पड़ता है। अब देखिए रॉन्ग साइड में हम लोग, ऐसा नहीं कि जमशेदपुर में, हम ही लोग रॉन्ग साइड में, रॉन्ग साइड सबसे क्राउड एरिया भीड़ भाड़ मानगो चौक है, मानगो चौक में
प्रशासन पुलिस सब कुछ वहाँ खड़ा है लेकिन रॉन्ग साइड में जाता है, कोई रोकता टोकता नहीं है, लेकिन डोबो का लोगों को ही यहाँ रोका जाता है और यहाँ से ऑपोजिट में जाने नहीं देता है। जब तक मेरा कहना है कि जब तक यहाँ गोलचक्कर नहीं बन जाता तब तक हम लोग को ऑपोजिट में जाने दिया जाए और हम लोग को ऑप्शन कुछ तो निकाला जाए कि कम से कम मोटरसाइकिल हो, लाइट व्हीकल जो चार चक्का है, छोटा गाड़ी हो, वो सब तो इधर से छोटा गोल चक्कर होना चाहिए। जो पहले मतलब ये ड्राइंग में था कि छोटा गोल चक्कर बनेगा, लेकिन पता अचानक ये कैंसिल कैसे हो गया पता नहीं है। महंगाई में तेल इतना ज़्यादा ये कॉस्ट का है और उतना ये में अब इतना घूम के 6 किलोमीटर बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ के आम लोग हैं और ये जो पुलिया हमारे सहयोगी ने आपको जो दिखाया था वो पुल के उस बाजू डोबो है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ सब्जियों की बाज़ार लगती है, सब्जियाँ होती है, खेती बाड़ी करते हैं लोग, तो वहाँ से सब्जी लेकर जो कागल नगर है या सोनारी का जो सब्जी मंडी है वहाँ लोग पहुँचते हैं सब्जी बेचने के लिए। अगर वो बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं तो उन्हें 6 किलोमीटर आगे जाकर टर्न करना होता है और तब फिर इस रोड, जो ये रोड आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये रोड पे आने के लिए, और ये रोड से आपको उस बाजू जाना है फ्लैट्स के एरिया में, या फिर संगम बिहार हो या फिर अन्य जो फ्लैट सब बने हैं जो आदर्श नगर के, वहाँ जाने के लिए आपको लंबी दूरी तय करने पड़ती है। तो समझा जा सकता है कि कितने लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने दिखाया कि एक बंदे को दूध लेना था वो गाड़ी से नहीं जा रहा, वो साइकिल से जा रहा, क्योंकि अगर गाड़ी से अगर वो आता है तो उसे लंबी दूरी तय करके वापस जाना पड़ेगा, जितना का दूध नहीं उतना का झुंझुना जो कहावत है। तो देखिए ये लोग, बहुत सारे लोग इस बाजू गाड़ी लगाकर उस बाजू जाते हैं, क्योंकि अगर पैदल जाना है तो देखिए कितनी बड़ी आबादी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जितनी महिलाएं हैं उस बाजू से इस बाजू कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में या रोजगार करने आती है, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी एक बार जान लेते हैं। हाँ सर, किडा वहाँ से घूमना पड़ता है। जी जी, दिक्कत हाँ जी जी। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? सामने में गोल चक्कर चाहते हैं। हाँ, गोल चक्कर सामने में लोग चाहते हैं कि यहाँ गोल चक्कर एक बने, ताकि जो आवाजाही है, लोगों की जो आवाजाही होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुलभ हो जाए। अगर आपको नहीं लगता है कि आप इस क्षेत्र के सामाजिक लोगों के साथ जुड़े सामाजिक काम करते हैं, तो लोग तो आपको बोलते होंगे कि भाई इस रोड में एक छोटा सा गोल चक्कर होना, तो क्या आप लोग इसको लेकर प्रशासन से या DC से, उपायुक्त से बात करेंगे? एकदम करेंगे, जरूर करेंगे। हम टोटल किसान भैया को लेकर जाएंगे, जाके हमारे बात करेंगे। माले या कोई इस फ्लैट में वृंदावन गार्डन में ट्यूशन पढ़ने बच्चे लोग आते हैं, उनको 4 बार आना जाना पड़ता है, और 4 बार में अगर मान लिया जाए तो वो 6 किलोमीटर घूम कर आना जाना, तो एक किसान भाई का बच्चा पढ़ाएगा क्या, खाएगा क्या, क्या करेगा? इसलिए मैं जाके उपायुक्त से हम लोग मिलेंगे, समाज को लोग लेके जाएंगे, बस्ती वाले को लेके जाएंगे और समाधान निकालेंगे इसका, ताकि पब्लिक का सहयोग हो। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता है, JMM के नेता भी है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई हम समाज के लोगों को लेकर, क्षेत्र के लोगों को लेकर उपायुक्त से मिलेंगे, क्योंकि एक छोटा सा गोल चक्कर होना चाहिए, क्योंकि जब ये पुल बना था तो यहाँ से 300 मीटर पे एक बड़ा गोल चक्कर बना है जिससे लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोनारी कागल नगर दुमवानी के क्षेत्र में जाना है तो आपको 6 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा, तब आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। ये भी डर है कि अगर रॉन्ग साइड जाएंगे तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना का भी डर है, तो इसको लेकर भी प्रशासन अपनी तरफ से ये कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इन बस्ती वासियों की, इन क्षेत्र में रहने वाले जो बड़ा आबादी है उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए इनकी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग गाड़ियों को खड़ा करके उस बाजू उस पार जाते हैं और फिर इस पार आके गाड़ियों को लेकर जाते हैं। देखिए अप्रोच रोड बनाया गया था, बगल से एक रास्ता है, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने आप प्रशासन के लोगों की भी बातें सुनाई, किस तरीके से प्रशासन के लोगों को, जो लोग गाड़ियों को खड़ा करके जाते हैं, किस तरीके से अपशब्द करके जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि हमें जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिले के उपायुक्त हैं या क्षेत्र के जो विधायक हैं या सांसद है, उनको इस तरीके से पहल करने की ज़रूरत है, ताकि जो उस क्षेत्र से आने वाले जो बड़ी आबादी है, जो डेली रोजगार करने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, या किन्हीं के किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ते, क्योंकि इस क्षेत्र में 2-2, 3-3 स्कूलें हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उसको 4 बार आना जाना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कितना पेट्रोल लगेगा। तो ये कह सकते हैं कि लोग काफ़ी त्राही त्राही है, और देखिए यहाँ एक बार सही कहेंगे उस बाजू दिखाएंगे लोग किस तरीके से साइकिल
से पार हो रहा है इस बाजू, क्योंकि साइकिल बहुत आसान है, साइकिल से आप अगर आएंगे तो उस पार भी जा सकते हैं और इस पार भी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ये साइकिल लेके जा रहे हैं भाई साहब, तो इसी तरीके से लोग साइकिल लेकर आते हैं उस बाजू जाते हैं और वहाँ साइकिल खड़ा करते हैं स्टैंड में, और उसके बाद फिर इस पार आकर अपने काम को निपटाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक बड़ी आबादी, देखिए मेरे सहयोगी अनवर आपको दिखा रहे होंगे कि जो भी गाड़ियां आ रही है उसको वापस उस ओर नहीं जाने दिया जा रहा है, और आपको जाना है तो आगे 6 किलोमीटर सर्किट हाउस का गोल चक्कर है, वहां से आपको टर्न करना होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। देखिए ये कुछ महिलाएँ हैं, हम इन लोग से आ रहे हैं, आप लोग पैदल आ रही हैं, कहाँ जाना है, कितना दिक्कत होता है, कितना दिक्कत होता है ये रास्ता बंद हो जाने से? बहुत दिक्कत होता है, इतना से पैदल हम लोग जा रहे हैं, हम लोग घर अभी क्या बोलूं। आप कहाँ रहती है, किधर से किधर जा रही है? डावा से सनारी जा रहे हैं। पैदल जा रही है तो गाड़ी को से भी जा सकते हैं? गाड़ी है ना पार है, नहीं है ना दे रहा है, इसलिए गाड़ी पार नहीं होने देता। ये स्टूडेंट है, हमको लगता है स्टूडेंट है, आपसे भी जान लेते, आप पैदल आ रही हो बेटा, क्या मतलब कितना दिक्कत होता है ये रास्ता अगर नहीं है तो? होता है, बहुत दिक्कत होता है। अभी कितना पैदल चली हो? डोबो से आ रही हूँ मैं। देखिए ये छात्रा है, वो कॉलेज की छात्रा है और डोबो उस बाजू रहती है, तो ये पैदल ही आ रही है इस तरफ, क्योंकि निश्चित है उस पार से इस पार आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, कहीं ना कहीं लोग त्राही त्राही है, जिस तरीके से लोग अपनी बातें सुना रहे हैं, और लोग का कहना है कि जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जैसे 300 मीटर पे उस बाजू गोल चक्कर बना, इस बाजू भी 300 मीटर का गोल चक्कर अगर बन जाता है तो जो बड़ी आबादी है जो वंचित हो जाती है, 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो जाना नहीं पड़े, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इन क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान निकल सके। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर कहीं नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे बोल जनता बोल में, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।